नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग इस वक्त जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में ब्लॉक कर दिया गया है। जो लोग यहां पर सड़कों पर बैठे हुए हैं, अब ये देखिए फिलहाल ये जो विजुअल्स हैं, यहां पर ये पूरा हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है। और वजह ये है कि कल इसी ग्रेटर कैलाश इलाके में एक युवक की हत्या हो गई और पूरा मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ था। और इस पूरी घटना के बाद कहीं ना कहीं जो पैनिक है वो पूरे एरिया में है और जो लोग हैं वो न्याय की मांग के लिए अब सड़कों पर बैठे हुए हैं। एक बार मैं कुणाल से कहूंगा कि वो आपको पूरा यहां से व्यू दिखा दें कि देखिए ये तमाम जो लोग हैं ये अब सड़कों पर हैं और दोनों ही ट्यूब्स जो नेशनल हाईवे की हैं, यानी कि दो सड़कें जो हैं, यानी कि एक आने वाली और दूसरी यहाँ से रिटर्न है, तो दोनों ही सड़कें इस समय ब्लॉक कर दी गई हैं, जिसकी वजह से पूरा जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग है वो फिलहाल ब्लॉक्ड है और वाहन जो है वो पूरी तरह से रुके हुए हैं। और लोगों की मांग है कि इस पूरी घटना में न्याय होना चाहिए, क्योंकि कल ग्रेटर कैलाश इलाके में एक जमीनी विवाद के चलते कुछ विजुअल्स सामने आए थे, जिसमें कि एक सिख युवक पर जो है वो शायद हमला हुआ था और इस हमले में वो बुरी तरह से घायल था, जिसके बाद ये जानकारी सामने आई कि अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और इसके बाद ही लगातार पैनिक जो था वो इलाके में बना हुआ था। अवतार सिंह जो है युवक मृतक जिसकी मौत हुई है, ये देखिए, और लोगों का प्रदर्शन देखिए यहाँ पर अब चल रहा है। तो काफी ज्यादा गुस्सा है लोगों में और लोगों की ये मांग है कि इस मामले में आप पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। तो हालांकि बात करें तो कुछ अपराधियों को जो है, जो कि इनिशियल इंक्वायरी में सामने आए, उन पर पुलिस की कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले में की गई हैं और पीएसए तक भी इस मामले में लगाया गया है। देखिए पुलिस जो है वो मौके पर मौजूद है ताकि पूरी कानून व्यवस्था पर नजर बनाई रखी जा सके। लेकिन जो आम लोग हैं जो कि इस समय सड़कों पर बैठे हुए हैं, मृतक के जो परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका यही कहना है कि जब तक इस पूरे मामले में पूर्ण न्याय नहीं होगा और सभी जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो ये लोग यहाँ से सड़क मार्ग नहीं खोलेंगे। ये जरा परिजनों से बात करते हैं, आप मुझे बताएंगे कि इस मामले में क्या हुआ? अवतार आप क्या चाहते हैं, हम इस मामले में क्या होना? इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, उनको भी ऐसे ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए जैसे हमारा बेटा का, उनको भी पकड़ के मारना चाहिए, फांसी होनी चाहिए। ऐसे अंदर चले जाएंगे वो पैसा देके छूट जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये विवाद था क्या कुछ? वो तो आपको वीडियो वगैरह में पता चल ही गया होगा, तो आपको उनके घर वाले बता सकते हैं। पुलिस ने जो कार्रवाई की उससे आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं, कोई कार्रवाई की ही नहीं पुलिस ने, अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं। पुलिस के नाल हो गया मरवाया मेरा बच्चा, तरह का पुलिस की फांसी दिया नहीं दिंदी सरकार, नहीं दिंदी, कोई झगड़ा कर रहा है, सरकारी गदार है ना, उनको रोकना, सरकार गदार है, कोई इंसाफ नहीं दिंदी। और मेरे बच्चे किसी रोन दे छोटे छोटे होंगे बिना जिस वे पूरा हमला है मौके हांसी जिस तरह मेरा बच्चा गया ना, बोला दविंदर परशोत्तम दे बच्चे उनकी वाइफ जिन्हें मेरे चैन तोड़ी तो मेरे को फिर फोन कर लेगी उसी भी रेस्ट किया जाए ने सारे जिन्हें लियाए ना गुंडे पुलिस
साडे लोके ना मुंह बंद करने लई पाहे इंसाफ है कोई इंसाफ नहीं उन्होंने भी ले के आओ ये गवर्नमेंट इंसाफ दे आ ते काम नहीं होण गवर्नमेंट इंसाफ दे नहीं दंदे तो ये अता की माता है और इनका स्टेटमेंट आपने सुना और ये भी उस समय मौके पर थी जब ये पूरी घटना हुई। इनका ये कहना है कि पुलिस की जो भूमिका है वो पूरी तरह से संदिग्ध है। संदिग्ध नहीं, इन्होंने कहा कि पुलिस पर बहुत सारे सवाल हैं इनके। पुलिस उस समय मौके पर मौजूद थी और पुलिस के सामने ये सब हुआ। हालांकि पुलिस की बात करें तो पुलिस ने इंक्वायरी इनिशिएट की है और कुछ आरोपियों को इसमें गिरफ्तार भी किया है, कुछ पर TSA के तहत कार्रवाई भी हुई है। लेकिन अभी इनका ये कहना है कि जो असल आरोपी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। इन्हें यह संदेह है कि पैसा लेकर या पैसे का धौंस जमाकर या पैसे का इस्तेमाल करके जो आरोपी हैं वो दोबारा से बाहर आ जाएंगे और दोबारा से यही स्थिति जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। तो फिलहाल आप अगर देखेंगे तो ये पूरे का पूरा जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर अब ब्लॉक हो चुका है और वाहन अगर आप देखेंगे कुणाल आपको यहाँ से दिखाएंगे, ये देखिए आप कि ट्रैफिक पूरी तरह से हॉल्ट है, गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं चल पा रही हैं। और क्योंकि ये जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग एक अहम लाइफलाइन है तो फिलहाल के लिए ट्रैफिक पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है और दोनों ही ट्यूब्स बंद होने की वजह से, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ ये ट्यूब कहाँ से बंद है, ये देखिए तो ये दोनों ही ट्यूब्स यहाँ से बंद हैं और ट्रैफिक का कुंजवानी से डाइवर्ट किया गया है और यहाँ बिल्कुल ग्रेटर कैलाश जो मोड़ है वहाँ से ये ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए ये भी जानकारी है कि अगर आप इसी रूट पर आना चाहते हैं तो फिलहाल अवॉइड करें जर्नी, क्योंकि रास्ता पूरी तरह से बंद है और महिलाएं जो हैं अगर आप देख रहे होंगे तो बिल्कुल सड़क के बीचों बीच इस समय बैठी हुई हैं। दोनों ट्यूब से एक ट्यूब पर जो है वो महिलाएं बैठी हैं, एक ट्यूब पर पुरुष बैठे हैं और अवतार सिंह की जो कल ये पूरी घटना के बाद मौत हुई उसको लेकर ये विरोध है। हालांकि पुलिस के बड़े अधिकारी लगातार मौके का जायजा ले रहे हैं, मौके पर आ रहे हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग अगर आप कहेंगे जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मुतमिन नहीं दिख रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो घटना हुई है ये सही नहीं है। यहाँ पर देखिए लगातार पुलिस के साथ लोगों की बहस भी हो रही है और अब देखिए फिलहाल क्या स्थिति है यहाँ की, खासा गुस्सा खासा रोष लोगों के बीच। और इसके अलावा जो लोकल रास्ते हैं यहाँ से शॉर्टकट जिन्हें आप कहते हैं कि जो बीच में से मोहल्ले में से ग्रेटर कैलाश में से होकर आते हैं, फिलहाल आपके लिए अपडेट ये है कि वो भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। ट्रैफिक सभी रूट्स पर इस समय हॉल्टेड है। तो जम्मू में कहीं ना कहीं कल की इस घटना के बाद से लॉ एंड ऑर्डर कहें या कानून व्यवस्था कहें वो ज़रूर थोड़ी सी आप कहें कि डगमगाई है, हिली है, लेकिन इसके पीछे की वजह ये है कि जो घटना यहाँ पर हुई ये बहुत बड़े सवालिय निशान खड़े करती है यहाँ की शांति व्यवस्था पर, यहाँ के पुलिस पर कि पुलिस की कार्रवाई, पुलिस की वर्किंग जो है वो कैसी है। और कहीं ना कहीं अगर आप वीडियोस देखेंगे तो वाकई में वहाँ पर पुलिस के एक अफसर मौजूद थे और सवाल खड़े होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर एक पुलिस का ऑफिसर मौके पर मौजूद है तो फिर किस प्रकार से इतना खूनी संघर्ष कहीं पर हो जाता है और उस खूनी संघर्ष के बाद एक व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। आखिर क्यों इन टाइम उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया गया, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं जो कि उठाना लाजमी है, क्योंकि ये घटना, ये स्थिति, ये परिस्थिति कहीं पर भी किसी के साथ भी उत्पन्न हो सकती है और ऐसे में जनता जनार्दन का विश्वास अगर किसी पर होता है तो वो होती है पुलिस। और अगर पुलिस की भूमिका पर कभी सवाल उठे तो जरूरी है कि पुलिस अपनी छवि, अपनी स्थिति को स्पष्ट करे और आम जनता के उस विश्वास को दोबारा से रिस्टोर करे, बहाल करे, जिसके लिए कि सरकारें पुलिस को ताकत देती हैं, पुलिस को अथॉरिटी देती हैं। तो फिलहाल क्योंकि पुलिस की ही भूमिका यहाँ पर संदिग्ध है, पुलिस पर ही लोगों के सवाल है, पुलिस पर ही लोगों के लांछन है, इसीलिए आज की स्थिति जम्मू की ये है कि यहाँ पर पूरे का पूरा जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग है वो पिछले कई घंटों से आप कहें कि सुबह से ही बंद है। और लोगों का यही कहना है कि जब तक पूर्ण न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। और इसकी वजह से अगर आप देखें तो ट्रैफिक जैसा मैंने बताया कि दोनों छोर से बंद है, जम्मू के आने वाली जो गाड़ियां हैं वो इस और नहीं आ सकती, जो पठानकोट दिल्ली से आने वाली गाड़ियां हैं
वो जम्मू नहीं पहुंच सकती हैं। तो ये आम लोगों के लिए एक अपडेट है। लेकिन दूसरा अपडेट ये है कि वाकई में जो स्थिति कल यहाँ पर थी, और क्योंकि सोशल मीडिया पर ये वीडियोस, ये पूरा स्कफल लाइव किया गया जिस वक्त अवतार सिंह जख्मी था, उस वक्त भी वीडियो फुटेज जो थी वो सोशल मीडिया पर थी। तो जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया पर एक आम व्यक्ति जब इस प्रकार की चीजों को देखता है तो उसके मन में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आती है कि आखिर उसके शहर में चल क्या रहा है, और वो भी तब जब एक पुलिस का अधिकारी वहां पर मौजूद हो। तो सवाल वाकई में तीखे हो जाते हैं और उन सवालों के जवाब अहम हो जाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी होती है पुलिस डिपार्टमेंट की, और जिम्मेदारी ये होती है कि शहर में शांति बनी रहे, ना कि इस प्रकार से सड़कों पर प्रोटेस्ट चले, धरना प्रदर्शन चले और उसके पीछे सवालों के घेरे में खुद पुलिस हो। ये आप इसमें तस्वीरें देख रहे हैं, और क्योंकि परिवारजन की ये मांग है कि न्याय होना चाहिए, तो न्याय होना जरूरी भी है, और लोगों का विश्वास पुलिस में, प्रशासन में, कानून व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए, यह भी एक जिम्मेवारी होती है। तो फिलहाल के लिए अब ग्रेटर कैलाश की बात करेंगे तो यहां पर सुबह से ही प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस के आला अधिकारी यहां पर पहुंचे, लोगों से बातचीत की, समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि घटना बहुत बड़ी है और उसका एक असर, इम्पैक्ट जो है वो लोगों के जहन में बहुत बड़ा है। जो परिवार के लोग हैं उनकी मांग ये है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए आरोपियों को, और केवल जो अभी कार्रवाई हुई है वो केवल एक छलावा है, आई वॉश है, और फिर से अपराधी बाहर आएंगे। तो अपराध को लेकर ये जो घटना कल हुई, आपराधिक घटना जो हुई, उसके विरोध में आज परिवारजनों का, आम लोगों का, आम जनमानस का जो है वो विरोध देखने को मिल रहा है। और फिलहाल स्थिति ये है कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के समय ग्रेटर कैलाश इलाके जम्मू में पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है, और पुलिस के तमाम कोशिशों के बाद भी जो प्रदर्शनकारी हैं, जो आम लोग हैं, जो परिवारजन के लोग हैं, वो सड़क से हटने को तैयार नहीं है। नमस्कार।